मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में चल रही कोरोना से बचाव और इलाज की तैयारियों की समीक्षा की। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के इलाज और बचाव के लिए शासन द्वारा सभी संसाधन मुहैया कराया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ जिलों में कोरोना के बचाव में लापरवाही बरती गई है, जिससे उन जिलों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक एक मरीजों की ऑडिट कराई जाएगी और उसकी जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी तक हमारे पास जो क्यूमुलेटिव फिगर है कोरोना पॉजिटिव की, वो कुल मिलाकर प्रदेश के 26 जिलों में 38 मेडिकल कॉलेजों में, 52 में से 38 मेडिकल कॉलेजों में इस समय कोविड पॉजिटिव मरीज भर्ती है और 1425 मरीज अब तक भर्ती हो चुके हैं। करंटली लगभग 589 मरीज, इन मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। बाहर से लेबर आ रहा है और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू हो रही है, मूवमेंट बढ़ रहा है, संभावना है कि उसमें मरीजों की संख्या बढ़ेगा। यद्यपि हमारा राष्ट्रीय स्तर से केस फेटालिटी रेट कम है, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों में इसकी संख्या बढ़ रही है, जिसको कम करने की युद्ध स्तर पर जरूरत है। जो हमारे कोविड हॉस्पिटल बने हैं, ICU, कोविड डायलिसिस, कोविड लेबर, इसकी व्यवस्था जो है अनिवार्य रूप से हो जाए, 10 मई का लक्ष्य दिया गया था। सभी मैन पावर का गैप है, उसमें मैन पावर का गैप जो पब्लिक सेक्टर में है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक जियो जारी करने वाले हैं, वो राजस्व विभाग के परामर्श से वो जियो आज या कल तक जारी हो जाए, उसके क्रम में आप लोग डीएम से राहत फंड से उसमें मैन पावर ले सकते हैं। लेकिन अभी इसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी सारे वेंटिलेटर चालू नहीं है और आगरा को छोड़ के बाकी कहीं भी इस तरीके की अभी इस समय कमी नहीं है। ये आप लोग कर रहे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर अभी जो ऑन रोड दिखाए जा रहे हैं, सभी प्राइवेट डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स इन्वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी मौके पर उपलब्ध नहीं है। पहले भी कहा गया था कि डीएम से बात करके आप बाध्यकारी आदेश ले लें और उसमें भी आप उनको वापस बुलाएं और अपनी मैन पावर को पूरी करें। ये अभी प्रथम सोपान है, फेज 3। अभी आपको काफी आगे जाने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी कोताही जो है वो शर्म नहीं होगी। इसमें जो एमरजेंसी सुविधाओं का सवाल है, वो एमरजेंसी सुविधाएं जो हमारे 4 इंस्टीट्यूट से बड़े जो 6 पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं और 3 जो हमारे वो हैं 86 मेडिकल कॉलेज, जो ऐसे जिला अस्पतालों को कन्वर्ट किए गए हैं जहां अन्य जिला अस्पताल अभी नहीं हो पाया है, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, बहराइच। आपकी एमरजेंसी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के बावजूद आगे जारी रहती रहेगी, उसके लिए वो सारा मेडिकल इन्फेक्शन कंट्रोल और सारा जो सेग्रीगेशन और स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल वो बनाया गया है। कई इंस्टीट्यूट उसको डेवलप कर लिया है, कई कॉलेजेस डेवलप कर रहे हैं। इसको रेड एरिया, ग्रीन एरिया, होल्डिंग एरिया, स्क्रीनिंग चैम्बर, ये सारी चीज़ें 100% आपकी प्लेस होनी चाहिए। इसमें ट्रेनिंग दे दी गई है, आपको बता दिया गया है, ज्योग्राफिकल सेग्रीगेशन होना है। 10 तारीख का समय नजदीक आ गया है, इसको आप मत, इसमें जरा सा भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। एमरजेंसीज में CCTV कैमरे रहने चाहिए। फोर्स डिप्लॉय करने के लिए ज्यादातर जगह DMs ने फोर्स लगा दी है, कहीं पर फोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप जिलाधिकारी से रिक्वेस्ट करके पुलिस फोर्स अपने आप डिप्लॉय कर लीजिए। क्वालिटी ऑफ आइसोलेशन वार्ड मैनेजमेंट ये इन्फेक्ट हो स्वीपर और वार्ड बॉय की ट्रेनिंग के लिए बार बार कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रिंसिपल को अपने स्तर पर इनका इन्फेक्शन प्रिवेंशन ट्रेनिंग कराना है। इसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और इसमें जो विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स हैं, वेंटिलेटर ट्रेनिंग, डायलिसिस ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग आपको अपने लेवल पर करना है। इसकी आप जो सूचनाएं हमें भेज रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर चेकिंग करके देख रहे हैं कि ट्रेनिंग होगी के निर्देश पर पिछले 2 दिन से सूची ली जा रही है। तो बात प्रकाश में आई कि कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके मैं नाम नहीं लूंगा, जहां पर रेजिडेंट्स जा रहे हैं अंदर और जो फैकल्टी है, सीनियर फैकल्टी, वो अंदर नहीं जा रही है, केस शीट्स का अवलोकन नहीं कर रही है, उसमें वो एक अपना स्पेशलाइज ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, जिससे समय से इनका ऑक्सीजन लगाना हो। वो मॉर्बिड केसेस हैं हमारे पास लगभग 70-80%, वो मॉर्बिड केसेस में मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ये वरिष्ठ चिकित्सक ही परामर्श दे सकता है, आवश्यकता अनुसार कंसल्ट कर सकता है दूसरे स्पेशलिस्ट के साथ।
ये कार्रवाई होनी है। तो केस शीटें आप लोगों की हम लोगों ने मंगवाई, केस शीट पे चिड़िया बनी हुई है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, इसका सिग्नेचर प्रॉपरली साइन होना चाहिए, कंसल्टेंट का नाम और उसका नाम नीचे लिखा होना चाहिए, और जो भी आप कंसल्टेशन दे रहे हैं चाहे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट दे रहा है या फिजिशियन दे रहा है वो प्रॉपर उसके ऊपर टाइम से अंकित होना चाहिए केस शीट पर, इसको सुनिश्चित करें जिससे कि क्वालिटी ऑफ केयर। एक चीज और आ रही है, देखिए अभी तक जो हमारे ये बड़े इंस्टीट्यूट थे इनको छोड़कर मेडिकल कॉलेजों में पिछले दो दशकों से 20 साल से इसमें अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों ने जाना बंद कर दिया है। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज को छोड़ दें जहाँ पर हाईकोर्ट के जजेस की वजह से प्राइवेट वार्ड चल रहे हैं, 20 साल से सभी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड बंद हैं। इसलिए आपके यहाँ बीपीएल मरीज भर्ती होता है, बीपीएल ट्रीटमेंट के हिसाब से आपके यहाँ लॉन्ड्री है, किचन है, उस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है, ये व्यवस्था आपकी नहीं चलेगी। अब कोविड अस्पताल में आपके मध्यम वर्ग के, उच्च वर्ग के और ऐसे लोग जो गणमान्य हैं तो सोशल मीडिया में समाज में अपना प्रभुत्व रखते हैं वो एडमिट हो रहे हैं और शिकायतें आ रही हैं कई जगह से कि साहब लिनन जो है गंदा है, चादरें नहीं बदली जा रही, कई जगह से हो रहा है कि साहब वो खाना जो है वो ठीक से नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से निर्देश दिए गए कि डाइट इम्प्रूव की जाए तो कचौड़ी खिलाने लगे हैं। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर जी के अनिकर प्रिंसिपल आगरा मेडिकल कॉलेज। अभी तक हमारे यहाँ 227 रोगियों का इलाज किया गया है, 94 रोगी हम लोगों ने ठीक करके भेज दिए हैं सर। आप एक्सिट परिणाम मेडिकल कॉलेज दे पा रहा है जो वहाँ पे चाहे वह लोकल स्तर पर हो चाहे वह हर स्तर पर हो, पूरे ऐसे मेडिकल कॉलेज की छवि को इस दौरान आप लोगों ने इतनी खराब क्यों कर दी है, क्यों हर व्यक्ति के टारगेट में आप लोग इतनी दुर्व्यवस्था का शिकार क्यों है, इसमें से शिकायतें क्यों आ रही मेडिकल कॉलेज की, किस कॉलेज की सर? क्षमता हमारे पास 100 बेड की एक है, इसके अलावा इमरजेंसी हमारी 44 बेड की भी है, ये है कि 6 बेड के लिए है। कितने बेड का हॉस्पिटल है एसएन मेडिकल कॉलेज? लापरवाही किसी भी स्तर पर होगी तो उसकी जवाबदेही तय होगी।